नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है कुछ इस वक्त की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। महिला सुरक्षा को लेकर भले ही गुलाबी व्यवस्था शुरू हुई हो, लेकिन महिला अपराध पर किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली है। राजधानी लखनऊ में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और गुलाबी व्यवस्था महिला अपराध पर कितना सक्रिय है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कुल 313 रेप की घटनाएं दर्ज हुई थी। देखा जाए तो पिछले साल 86% रेप की घटनाएं हुई हैं, जबकि साल 2023 में मात्र 6 माह में ये आंकड़ा लगभग 95% पहुंच गया है। नवाबों का शहर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में महिलाएं कितना सुरक्षित, ये पुलिस के रिकॉर्ड के आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के प्रति लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, गुलाबी व्यवस्था भी लागू की गई, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बात की जाए नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ की, जहां पर सिर्फ रेप के जो आंकड़ों को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। प्रति माह की अगर बात की जाए तो 29 रेप की घटनाएं हुई हैं। ये तब है जब महिलाओं की सुरक्षा का दावा लखनऊ पुलिस हर समय करती है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पुलिस महिलाओं की कितनी सुरक्षा कर पा रही है। पुलिस के आपराधिक डाटा के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक 171 रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं। यदि 6 माह के दिनों को जोड़ा जाए तो कुल 181 दिन हुए जहां 171 रेप हुए। यदि यह कहा जाए कि लखनऊ में प्रतिदिन रेप हो रहे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब इस मामलों को लेकर के अगर बात की जाए कि जिस तरह से ये आंकड़े बताए गए, ये पुलिस के रिकॉर्ड के में दर्ज आंकड़े हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, गुलाबी व्यवस्था लागू की गई, पिंक पेट्रोल भी चलाए गए, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे हैं, वो दावे आखिर खोखले क्यों साबित हो रहे हैं, और या फिर पुलिस इस मामले में क्या कुछ अभियान चलाकर इन सभी आंकड़ों में कमी लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। सुल्तानपुर के कोरेभार थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का खून से लथपथ शव उसके घर की छत पर पाया गया। युवक की गला रेत कर हत्या हुई है। स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हर पहलू पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। 4 दिन पहले मृतक के घर पर भतीजे की शादी का जश्न था और आज मौत का कोहराम है। हमारे सूचना आई पुलिस को कि रमेश कुमार, जिनकी करीबो करीब 41 उम्र है, उनकी पेंटिंग की शॉप है, उनकी हत्या कर दी गई है। जिसमें पुलिस आई तो पता चला हाँ, धारदार हथियारों से उनकी हत्या हो गई है। पुलिस अपनी 3 टीम बना के इसमें छानबीन और इन्वेस्टिगेशन और जो है अपने एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है। कुछ क्लूज हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। जहाँ तक शुरुआती हमें लग रहा है, इसमें हो सकता है कोई व्यक्तिगत रंजिश की मामला रहा हो। पुलिस सारे एंगल को देख रही है, छानबीन कर रही है। जल्द घटना का खुलासा करते हुए जो अभियुक्त अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में मिट्टी खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। मानकों को ताक पर रखकर दिन रात जेसीबी मशीनों से खुदाई कराकर खनन किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्राली के जरिए उसकी सप्लाई कराकर मनमाने दामों में बेचा भी जा रहा है। पूरा मामला सुमेरपुर कस्बे के नारायणपुर गाँव का बताया जा रहा है। रायबरेली में जिला आबकारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने खीरो क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब और 1000 किलो लहन बरामद हुआ है। इस छापेमारी में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया, साथ ही 3 लोगों को नामजद भी किया गया। आबकारी टीम की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर, आज कहां-कहां पे छापेमारी हुई? कई जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें देवी खेड़ा, बहटा, सातनपुर, मोहनपुरा में कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है और 1000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया है। कितने लोग पकड़े गए इसमें? सर, 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 3 अभियुक्त पंजीकृत किए गए।
पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवपुरी में प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए गरीबों को दी जाने वाली पेंशन और SC ST वजीफे का पैसा लाडली बहन योजना में लगा दिया, जिसकी वजह से गरीबों को पिछले 5 माह से न तो पेंशन मिल रही है और न ही SC ST के लोगों को वजीफा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव लड़ना 20 साल के नेतृत्व के दिवालियापन को दिखाता है, जिस वजह से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले तो उनसे हिसाब मांगा है हमने कि आखिर ये 3.5 लाख खर्च आपने कैसे किया, नंबर एक जी, क्योंकि ये नजर नहीं आती, ये खर्चा जो हुआ है ये नजर नहीं आता, चाहे सड़कों पर या बांधों पर या किसी योजना, लेकिन जो लाडली बहना के अंदर खर्चा हो रहा है उसकी वजह से जो गरीबों को पेंशन मिलती थी वो पिछले 4-5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। SC ST का जो वजीफा मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई योजनाओं में पैसा निकाल कर ये लाडली बहना योजना चुनाव के लिए उन्होंने लागू किया। छिंदवाड़ा में शांतिपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जुनारदेव थाना क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और जनता के बीच सुरक्षा का एहसास कराया, साथ ही अराजक तत्वों को आगाह भी किया गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।